आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो अल्पसंख्यकों का क्या होगा? अल्पसंख्यक जो मुसलमान है देश के, वो हमारे भाई हैं, उनके उनसे हमारी कोई भी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? ये सेकुलरों से, ये सेकुलरिज्म जो है ना, उनसे। आज मेरा सगा बुआ का लड़का है, वो जाके गल्फ कंट्री खाड़ी देश में नौकरी करता है और मुसलमान भाइयों के साथ रहता है, मुस्लिम देश है वहाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसी तरीके मुसलमान भाई अपने यहाँ रहेंगे, आपको कोई उनसे कोई शिकायत नहीं, कोई उनसे दिक्कत नहीं है, वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे प्यार से। लेकिन हिंदुओं को भी तो उनका एक छत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मुसलमानों का 1400-1500 वर्ष का इस्लाम के इतिहास में 56 देश, 100 से ज़्यादा ईसाइत देश, बौद्धिस्ट देश, तो क्या हिंदुओं को उनकी छत नहीं मिलनी चाहिए? और अगर ज़्यादा दिनों तक किसी को आप दबाओगे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे, तो होगा क्या? वो उफन के आगे आएगी वो आवाज़। तो उसी तरीके से आज दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। जिस प्रकार से देखिए आप, अमेरिका के बड़े बड़े पदों पे आज सनातनी हिंदुस्तान के लोग बैठ गए जाके। आज 200 साल इस देश पर राज करने वाले ईसाइत, मतलब ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पर सबसे ताकतवर सीट पर जाके हमारा सनातनी बैठ गया, ठीक है, उस देश में जिसका कहते थे कि सूर्यास्त नहीं होता है ब्रिटेन का, आज वहाँ हमारा आदमी बैठा है। सिंगापुर में प्रधानमंत्री हमारा बनने जा रहा है, नेपाल में सनातन नोट रहा। फिर आप देखिए जिस प्रकार से सनातन की आवाज़ पूरी दुनिया में हो रही है, उसी कारण से तिलमिलाए हुए लोग जो है ये चिल्ला रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता पड़ा, वो मेरे ही छोटे भाई ने आकाश सैनी ने मारा, और ऐसे ही जूते पड़ते रहेंगे। और अखिलेश यादव अभी देखा होगा आपने, वहाँ गए थे क्या नाम है कथा में, वहाँ पर उनको जब जनता ने दौड़ाया तो उल्टी परिक्रमा की और जूता छोड़ करके सुरक्षा कर्मी तक भाग खड़े हुए। तो ये दशा होगी, जो सनातन को गाली देगा उनके साथ यही होना तय है। अब सनातन जाग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, और अयोध्या मथुरा काशी लक्ष्मण टीला इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरह सनातन युग फिर से लौटेगा और उसी का फायदा ये जो है भगवादारी सरकार इसको मिलेगा, और बाकी आधा काम ये करेंगे, आधा काम कर देंगे आपके विपक्ष लोग। ये हिंदू देवी देवताओं को गाली बकेंगे, हिंदुओं को गाली बकेंगे, हिंदू अपने आप एकत्रित होकर वोट देके चलाएगा वहाँ पर। एक आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्टालिन, ए राजा को क्या संदेश देंगे चुनाव से पहले जैसे बयानबाजी कर रहे हैं? इनको संदेश देने के लिए ये तो कठपुतली है, इनके नेता अखिलेश यादव जी को संदेश है। संदेश ये है कि जब उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ बोला, उन्होंने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब विनाश काल आता है तो 100 करोड़ लोगों से लोग टकराने की भूल करते हैं। उत्तर प्रदेश में माई फैक्टर से अब सरकार नहीं बनने वाली है, माई फैक्टर क्लोज, जो सबकी बात नहीं करेगा, हिंदू मुसलमान नहीं, सबकी बात जो नहीं करेगा वो अब यहाँ राज नहीं कर पाए। हिंदुओं की बात जो करेगा उसी की सरकार बनेगी? नहीं नहीं, सबकी बात नहीं करोगे। देखिए हिंदू क्या सपा को वोट नहीं देता है? क्या हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं देता है? क्या हिंदू बसपा को वोट नहीं देता है? ये सबके पास हिंदू वोट नहीं है? हिंदू बहुत वो है, वृहत विचारधारा है, वो फेस को देखती है कि कौन सा चेहरा हमारे समाज के लिए काम कर सकता है, वो उसको वोट करती है। अखिलेश यादव को क्या मुसलमान ही वोट देते हैं? क्या यादव क्यों वोट देते हैं? और यादव कौन है? यादव भी तो हिंदू ही है। तो सबका साथ सबका विकास की धारणा जो सरकार नहीं रखेगी वो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। जिस तरीके से विपक्ष धीरे 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 अंडा, आप याद कीजिए 70 साल के इतिहास में 50 साल कांग्रेस की जूती, गांधी परिवार की जूती को पूजा गया है सिंहासन पे, जैसे राम जी के भाई भरत जी ने राम जी का जूता रख करके पुजवाया, उनके खाऊं रख के पुजवा लिया, वैसे ही कांग्रेस ने गांधी परिवार ने अपनी चप्पल को पुजवाया। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की आपको एक स्टेटमेंट भी याद होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था, जो जूता चप्पल उठाता है गांधी परिवार का वही जाके आगे चल के मंत्री और विधायक और सांसद बनता है। तो ये हम थोड़ी कह रहे, तो माननीय मुलायम सिंह यादव कह गए। और दूसरी चीज़, एक बात और, आपके किसी को भी मैंने इंटरव्यू ये बात नहीं की, आपसे बता रहे कि हिंदुस्तान बनाने की बात तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कही थी, सबसे पहले आवाज तो उन्हीं ने उठाई थी। तो वो तो विपक्ष के नेता है, वो तो इनके नेता है नहीं, हम भाजपा का नहीं समर्थन कर रहे हैं और ना हम इनका समर्थन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हक की बात करो। हक की बात ये कि हिंदू जहाँ बसता है, जहाँ हिंदू रहता है, वो हिंदुओं का स्थान, उसका नाम है हिंदुस्तान, ना भारत ना इंडिया।